दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और अगर आपको उस क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवॉर्ड्स पॉइंट रहते होंगे उसको अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इससे पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में हमने आपको लाइव भी दिखाया था, बट हमने उस टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मोबाइल की मदद से आप किस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड्स पॉइंट रहते हैं कैश में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं वो बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे भी मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली HDFCBank.com ये वेबसाइट को ओपन करते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे कुछ मॉरेटोरियम वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो HDFCBank का, अगर आपका कोई भी लोन वगैरह चल रहा हो तो। अगर आपको मॉरेटोरियम के वीडियो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट को आप कैश में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम पहले तो लॉग इन करेंगे। यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, लॉग इन करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड डाल के हम पहले तो अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुके हैं, नेट बैंकिंग पे लॉगिन हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। जैसे कि अकाउंट, जैसे कि हम थोड़ा जूम करते हैं, अकाउंट, फंड ट्रांसफर, बिल पे एंड रिचार्ज, कार्ड, डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन्स एंड ऑफर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप कार्ड पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपका एक्टिव क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका अनबिल्ट अमाउंट वगैरह शो हो जाएगा। ओके, जैसे कि साइड की तरफ आपको कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्ट इंक्वायरी रिक्वेस्ट, तो आपको इंक्वायरी पे क्लिक करना है। जैसे कि आप इंक्वायरी पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ फिर से चार पांच ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, व्यू अनबिल्ड ट्रांजैक्शन, व्यू ट्रीटमेंट, रिडीम रिवॉर्ड्स पॉइंट आ रहा है एंड लोन डिटेल, तो हम रिडीम रिवॉर्ड्स पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड के कुछ नंबर वगैरह शो हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिडीम रिवॉर्ड्स पॉइंट, तो यहाँ पे आपको एक नया वेबसाइट पे रिडायरेक्ट पेज हो जाएगा, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अवेलेबल रिवॉर्ड्स पॉइंट हमारे 1559 है, तो कुछ इस प्रकार का ये आ जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरीज, इंस्टा वाउचर, कैश, ई वाउचर, कुछ एमरेला वगैरह आ जाता है, तो हमें कैश पे क्लिक करना है। जैसे हम कैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश रिडक्शन आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेडी टू रिडीम कैश आ रहा है। आपके जो अवेलेबल पॉइंट्स है यानी कि रिडीम पॉइंट्स है 1559 है हमारे, और इसका जो वैल्यू होता है 234 रुपीज़ हो जाता है। तो हमें कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे हमें 1559 को ही हमें कैश में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1559 रिवॉर्ड्स पॉइंट के हमारे जो है 234 यानी कि 234 रुपये हो जाएंगे, और इतने ही हमारे आ जाएंगे। तो कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैशबैक रिडक्शन रिक्वेस्ट टू बी अ मिनिमम ऑफ 500, यानी कि जब हमारा जो अमाउंट है 500 हो जाएगा, यानी कि हमारे जितने रिवॉर्ड्स पॉइंट हो जाएंगे उसका जो वैल्यू जब 500 रुपये हो जाएगा तब हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, जैसे कि हमने 8-9 महीने पहले वीडियो बनाया था, बट अभी के लिए HDFCBank ने अपडेट किया है। जब आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट की जो वैल्यू 500 रुपये हो जाएगी तभी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको ये भी बता दें कि सभी के मन में अभी एक डाउट चल रहा होगा कि जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर देते जो भी हमारा कैश का जो अमाउंट रहेगा वो अपने बैंक अकाउंट में आ जाता है या क्रेडिट कार्ड में आ जाता है। तो आपको बता दें कि आपका जो भी रिवॉर्ड्स पॉइंट का जो भी कैश अमाउंट रहता है होगा वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, आपके क्रेडिट कार्ड बैलेंस में वो ऐड हो जाता है। ओके, तो और भी अगर आपका कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप का नंबर है उससे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।